हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। यूपी ब्लॉगर बॉबी पाल में आपका स्वागत है। आज आपको रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। विश यू मैरी मैरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, भाई बहन का बहुत ही प्यारा सा त्यौहार है। आज उसके हाथ में इतनी सारी राखी बन चुकी है ना, बहुत सारी राखी बन चुकी है। उसकी बुआ जी ने भेजी है पानीपत से, उसकी ताऊ जी की लड़की ने बांधी है, पड़ोस में से भी लड़की आई थी उसने भी बांधी है, और रीशा को उसने मिठाई भी खिलाई है अपने हाथों से। उसे बहुत अच्छा लग रहा है आज राखी के इस त्यौहार पे, और उसका हाथ पूरा हाथ भर चुका है। तो आप कुछ बोलोगे? देखिए मेरा भी, मेरे हाथ में भी राखी बन चुकी है। एक संजो दीदी ने भेजी है और एक जूली दीदी ने भेजी है। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में, और रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं रक्षाबंधन के त्यौहार की, और आपको दिखाते हैं आज अपने पूरे दिन की एक्टिविटी, और खासकर कन्नू की एक्टिविटी। आज के दिन कन्नू को कैसे राखी बांधी गई है और उसने क्या क्या बात की है, वो सब आपको हम उस पूरी वीडियो में दिखाएंगे। चलो बने रहिए हमारे वीडियो के एंड तक और करते रहे एंजॉय। ए भाई, कितनी सारी राखी बन गई है। ये तो बहुत शर्म आ रही लड़की, तो देख तो मेरी कितनी शर्म आ रही है, देख तो। उसे नींद नहीं आ रही अभी, उसका आलस नहीं उतरा थोड़ी देर में। यहाँ पे है नहीं, लेकिन फिर उनकी राखी आ गई यहाँ तक। देख लो, जो कोई मन से भेजा है तो कहाँ से कहाँ तक चीज आ जाती है। ये झूले दीदी ने बांधी, देखो कितना बड़ा हो गया, सुपरमैन हो गया, कितना बड़ा हो गया भाई। देखियो कितना प्यार बच्चों में। देख बंद भारी भाई, बांध दे भाई, बहन के यार राखी बांध रहा है और बहन भाई को राखी बांध रही है। बंद की राखी ओ होए, कन्नू ने ये किसने बांधी इसके राखी, दिखाना जरूर, दिखाना अपने किसने बांधी। ऐसे टिक्का करो, फिर टिक्का करो, टिक्का भी करो, उसके टिक्का भी करो, टिक्का करो ऐसे इस हाथ से, इस उंगली से करते हैं टिक्का हमेशा, ठीक है। इस ये उस उंगली को लेते हैं और ऐसे टिक्का करते हैं। क्या लग नहीं रहा टिक्का तो भाई, मगर यहाँ पे चीची की बात क्या नहीं, मैं लगा देती हूँ, ठीक है। चावल के दाने लगाओ भाई दीदी के, मिठाई खाओ, मिठाई खिलाओ, मिठाई खाओ। चलो फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में कन्नू की बहना है। ये कन्नू बीच में आ रहा है और बार नाम से पकड़ो, देखो चावल भी लगा दिया, ये तो कन्नू भी रागी बांधने में सबसे आगे हो रहा। हे गाइस, देखिए आज नमन भी आ गया है राखी बांधने के लिए, सबका लाडला है ये। ये मंजो दीदी का लड़का है, जो मेरी बड़ी ननंद है ये उनका लड़का है, और जूली दीदी आ गई है राखी बांधने के लिए, संजो दीदी ने अपनी भिजवा दी है। वे पानीपत रहती है और काफ़ी दूर है इसलिए वे आ नहीं पाई। ये देखिए कितने सारे गिफ्ट लाया है, टॉफी गिफ्ट में है, टॉफी कितनी सारी, और की नानी नमन को इतना प्यार कर दिया, अपने हाथ से गाना खिला रही है। देखो आते ही इसको जवे खिलाए हैं और अब कढ़ी चावल खा रही है। अच्छे लगे आपको कढ़ी चावल, कैसे लगे कढ़ी चावल, अच्छे लगे? और भूख भी लग रही थी नमन को, ठुमका लगा भाई ठुमका, नमन हमें नहीं पता। देखो भाई नाच के दिखाओ पहले एक बार, और अच्छे से देख देख सामने से, देखिए नमन का ठुमका। ओहो देखिए गाइस, ये सब्जी लाई है मम्मी, पेठा, लौकी, प्याज, लौकी ली, टमाटर, टमाटर रखे रखे,
प्याज लिए है, आलू लिए है, हरी मिर्च लिए है और नींबू और पेठा। कायो लौकी आयो पिठा यो नींबू है, नींबू नींबू को नून उचोड़ते है वो पीते है बढ़िया लगता है। और यो मिर्ची है खाने में चटपटी तीखी। और ये प्याज है इसको छीलेंगे तो आंखों में इसको देसी भाषा में गंठा भी बोल लेता है बोलते हैं। और इसको आलू और आलू आलू में खाने में बहुत स्वाद लगते हैं। फलों का राजा है आलू, आलू हर चीज में गिरे है आलू और फलों का राजा है वो आलू। अच्छा जी। हे गाइस देखिए हमारे यहाँ पर बैठक के बाहर मोर पंखी का पेड़ है, कितना सुंदर और कितना अच्छा पेड़ है। कहते हैं मोर पंखी का पेड़ घर में ज़रूर लगाना चाहिए, इससे सुख समृद्धि घर में आती है। अच्छे बादल हो रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की सी हवा चल रही है देखिए गाइस, और बादल भी कितने अच्छे आ रहे हैं, बहुत सुंदर नज़ारा है। आज का हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा बताइए, कमेंट करके लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।